6 मास परे जेल रु बाहरिले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शह शह समर्थक जेल बाहर रही केजरीवाल को अपेक्षा करते। तिहार जेल रु बाहर परे प्रथमे केजरीवाल सेठार उपस्थित समर्थकों उद्देश्य उद्बोधन देते। कहते से ठीक थिबारु जेल रु बाहरी पारे। लक्ष लक्ष लोक प्रार्थना करुथिले बोली केजरीवाल। तांकर शक्ति बढ़ी जाइछि। जीवन सारा से लड़े कर आसुथिले एवं आगक से लड़े जारी रखिबे बोली कहिछन्ति। यहपर आरंभ हो केजरीवाल रोड शो। आज दिल्ली अबकारी दुर्नीति मामलें अरविंद केजरीवाल को जमिन देते सुप्रीमकोर्ट। सीबीआई पंजीकृत मामलें सुप्रीमकोर्टू शर्तमूलक जमिन मिली। शुक्रवार दुईट आवेदन सुप्रीमकोर्ट राय दे। प्रथम आवेदन कोर्ट सीबीआई गिरफ को वैध बोली बेचना करते। द्वितीय आवेदन विचार कर सुप्रीमकोर्ट केजरीवाल को जमिन प्रदान कर। तबे जमिन प्रदान बेले सुप्रीमकोर्ट किसी शर्त रखिंट। जमिन सामान शर्त से प्रजोज्य हो जहां ईडी मामलें जमिन प्रदान करने समय लागू कर। जेल रु बाहर पर केजरीवाल कौन फाइल दस्तखत करें ना। यह सहित सीएमओ को जीवा प्रतबंधक रहीपरी। यही मामलें केजरीवाल कौन मंतव्य देवे ना। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुया को नहीं गठित खंडपीठ केजरीवाल को जमिन प्रदान कर। मामलार शुणी कर जस्टिस भुया कहते ईडी मामलें पूर्व केजरीवाल को जमिन मिल सारी बेले एवं सीबीआई मामलें जेल रखा संपूर्ण भाव अमूलक। कारण जमिन नियम होता बेले जेल होतिक्रम। कौन मामला परिचालना बेले होता गिरफदारी कौन प्रकार उत्पीड़न रूप ने उचित नुहे। तेणु केजरीवाल को तुरंत मुक्त कराजाऊ बोली से निर्देश देते। सहित आहरी कहते सीबीआई सबुबले निजकु एक पिंजर में बंदी सुआ होगा अपेक्षा खोला आकाश में मुक्त सुआ पर आचरण करने उचित। सीएमओ कि सचिवालय जीवे कौन सरकारी फाइल करें दस्तखत। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल को शर्तमूलक जमिन। दीर्घ 6 मास परे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमिन। अबकारी दुर्नीति मामलें शर्तमूलक जमिन प्रदान करते सुप्रीमकोर्ट। 10 लाख टंकार बंड एवं दुई जन जमीनदारों मार्फत केजरीवाल को मिली बेल। सीबीआई गिरफ्तारी को चैलेंज करी सुप्रीमकोर्ट जाते केजरीवाल। जस्टिस उज्जवल भुया एवं जस्टिस सूर्यकांत खंडपीठ यह मामलार शुणानी कर गत 5 तारीख में राय संरक्षित रखते जहां आज प्रकाश पाई। तबे से मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा सचिवालय जापारे ना। उपराज्यपाल वीके सक्सेना बिना अनुमति में कौन सरकारी फाइल करें दस्तखत। अबकारी दुर्नीति बाबद कौन जगह मुह खोली पारे ना। बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेज के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों जजेज के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा। लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेज के अलग अलग व्यूज आए। नहीं नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशन अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में एक्सपर्ट। केजरीवाल को जमीन देवा परे सीबीआई ऊपर प्रबल वर्षिछंती सुप्रीमकोर्ट। कहिछंती केंद्रीय तदंत ब्यूरो निजको पंजुरी भितर बाहर करू। केजरीवाल को गिरफ्तारी आईन सम्मत किंतु जो समय गिरफ्त करागला ताकु नहीं प्रश्न उठाई सुप्रीमकोर्ट। 2023 मार्च में केजरीवाल को पचराउचरा करथिला सीबीआई किंतु से समय गिरफ्त कर नथिला। परे तांकु प्रवर्तन निर्देशालय गिरफ्त कला। प्रवर्तन निर्देशालय मामलें जमिन मिलवा पर 22 मास पर सीबीआई तांकु गिरफ्त करथिला जहां भयंकर संदेह एवं प्रश्नवाची सृष्टि करथिबा कहिछंती सुप्रीमकोर्ट। जने व्यक्ति कस्टडी रे थिबा बेले अन्य एक तदंतकारी संस्था द्वारा तांकु गिरफ्त करिवारो कौन आवश्यकता थिला बोली कोर्ट प्रश्न करिछंती। जांच में सहयोग करेंगे, जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन ही एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है उसको फॉलो करना पड़ेगा और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे।
केजरीवाल को जमीन मिलवा परे आप रे खेली जाई छु उत्साह को वीडियो रे देखिबा को मिली छि कि आप रे नेता माने लैपटॉप रे सुनानी खबर उपरे नजर रखिथिले जेतेबेले जमीन मिलवा खबर आसिला सेतेबेले मनीष सिसोदिया खुशी रे निज पाखरे बसिथवा आप नेत्री अति सिंह को आलिंगन करथिले केजरीवाल को पत्नी सुनीता केजरीवाल मध्य कर्मी को मीठा बांटुथार देखिबा को मिलथिला सच्चाई की जीत हुई है और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है झूठ भी एक्सपोज हुआ है जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया के मंसूबों पे पानी फिर गया वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं उनका मकसद ये है नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं उनका मकसद ये है आगो को हरियाणा निर्वाचन केजरीवाल को जमीन दल को नुआ संजीवनी देव कारण प्रथम करी आप हरियाणा रो 90 विधानसभा आसन रे लड़ुछि एभली परिस्थिति रे केजरीवाल को जमीन तांको पार्टी को बेस सहायक हेबो बोली चर्चा हेउछि ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।